हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हो रही है शाम के बज रहे हैं 5 और मैं थोड़ा सा सुस्त सी हूँ क्योंकि मुझे वैक्सीन लगी है, तो उसका असर थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो बट बाहर मौसम इतना गजब का हो रहा था कि मैंने सोचा कि ना आपको बाहर दिखाती हूँ, तो मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया कि चलो फिर दिखाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर कैसा मौसम हो रहा है। और बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, पेड़ों से पता चलता है ना कि मतलब हवा चल रही है। और यहाँ इस टाइप से हो रहा है, ये देखो। और पता है इतना तेज रोशनी हो रही है ना अभी, इतना साफ, इतना क्लियर, इतना ऐसा लग रहा है बिल्कुल मस्त मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मा, आज बहुत सारे आम गिरे हैं। कहाँ? अच्छा जी, तो सारे जितने थे वो गिर गए क्या वहाँ पेड़ में? दिख रहे हैं आपको आम? अगर हम फोकस करें तो आम थे इसमें अभी, वहाँ से नीचे गिर गए। यहाँ देखिए, ये देखिए नीचे पड़े हुए। ओके, वो जितने थे आम सब गिर गए, एक दो तीन बचे होंगे, एक दो बचे थे। वो देखो, वो दिख रहे वो तो यहाँ। चलो देखते हैं। मम्मा, ये मेरे अकेले हाथ में नहीं उठेगा, बाल्टी लानी पड़ेगी। हाँ यार उठाना, ये सारे पके हुए देखो ना। हाँ, सारे पके हुए। मुझे लगा ओहो, ये देख, पता है नीचे गिर के ना फूट भी गए, फूट गए, दो चार फूटे हैं ना, उठाने पड़ेंगे। हाँ, बाल्टी ले आता हूँ मैं। उधर 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 वहाँ वहाँ तक जा रखे हैं, पता है ये देखो वहाँ कहाँ तक आम गए हैं। तो बस इतना साफ मौसम हो रहा है, एक मिनट ज़ूम हो गया था। हाँ, तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना साफ साफ दिख रहा है और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हवा भी चल रही है, पता है ठंडा भी हो गया। लग तो रहा है कि बारिश होएगी, पर अभी तो पता है कोई बादल आ गए थे ऊपर, और अब ना देखो कैसे हो गया मौसम, वैसे सिंपल साफ सा। मुझे लग रहा है ये हवा ना उड़ा के ले जाए सारी बारिश को। तो ये है, देखो मैं कितना अच्छा लग रहा है। तो जो वैक्सीन लगी है ना, तो आप लोग भी ज़रूर लगाइएगा। और थोड़ा सा सुस्त थोड़ा सा रहता है, 19-20 का फ़र्क पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट हल्का सा है वो जहाँ लगी है ना उस हाथ में, थोड़ा सा जीत। बाकी हाँ रखो इनको, सबको इन इसमें रखो, बाल्टी में रखो। तो ऐसा आप लोग भी लगाना, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, सब सेफ़ है, बिल्कुल सब सही है, इतने लोग लगा रहे हैं। और अपने देश में अपनी वैक्सीन में हमें भरोसा रखना चाहिए। तो बस इतना ही। और मैं झूलने में बैठ गई हूँ, बहुत दिनों बाद बैठी हूँ यार, ऐसा लग रहा है। और धूप आ गई, ये देखो, अरे ये तो धूप आ गई, अरे कैसा मौसम हो रहा है। मम्मी अभी तो बारिश आने वाली थी, अब क्या उड़ा गया वो सारा, लग रहा है बारिश उड़ गई अभी तक तो। क्या हुआ? आरव यहाँ काम कर रहा है, ये देखो मेहनत करता हुआ, अच्छा बच्चा है, मेहनत कर रहा है। भर गए? ओह माय गॉड, वेरी गुड, कीप इट अप, और करो सारे भर के लेके आओ। देखो हो जाएंगे, पता है हमें ऐसे लगा कि इस पेड़ में आम नहीं है, बट थे इसमें आम, है ना? ये थोड़ा पिछला है, देखो पिछक गया नीचे गिरा। हाँ वो ना उस पे गिरा होगा ना सीमेंट पे, तो इस वजह से रखो उसे, गाय तो खाएगी अगर ज्यादा पिचक गया होगा तो। आप कमर पे क्यों हाथ रख रहे हो? हाँ? कमर पे क्या हुआ? ऐसे एक्टिंग स्टाइल। ओके, तो यहाँ आरू आम उठा रहा है। और बताओ, मैं आपको बारिश दिखाने के लिए बाहर लाई थी, और बताओ धूप आ गई, ये भी हो सकता है। अब इस कलयुग में सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं सोच रही थी कि बारिश हो रही है, अंधेरा सा हो गया मौसम, अच्छी हवा चल रही है, हवा तो अभी भी चल रही है, बट मैंने सोचा बारिश दिखाऊंगी, कुछ अच्छा सा मौसम हो रहा है ना। एक बारिश की वजह से कितनी सारे आम गिरे। चलो अच्छा है, आपने भर लिया, अब इसे अंदर लेके चलो। वो भी आम है, एक बार उठाओ जो जो है ना, आप देखो ना यहाँ धूप में छुपे हुए होंगे, पता नहीं यार, हवा से ने तो उड़ा दिया सारा। और मम्मी और इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, अब खेती का टाइम हो गया है अब स्टार्ट, तो अब बारिश चाहिए सबको, जिनकी भी खेती होगी तो चाहिए।
बहुत बढ़िया है। तो आज बिल्कुल मैं सुस्त मूड में थी, बिल्कुल लोअर टी शर्ट में घूम रही हूँ, और मैंने सोचा यार होता है ना थोड़ा सा वैक्सीन लगी है ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा, बट बुखार वुखार मुझे तो नहीं आया, बट हल्का बॉडी पेन हल्का हल्का सा, तो इट्स मीन अच्छा साइन है कि आपको दवाई लगी है, तो कुछ तो पता चले भाई लगी है कि नहीं लगी है, कुछ तो हो। तो जिनको फीवर आ रहा है उनको, किसी को फीवर आ रहा है, मेरा तो बॉडी पेन हुआ, और ये जो जहाँ लगा है ना यहाँ शोल्डर में पूरा अजीब सा दर्द हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तब पता नहीं अब कल तक ठीक हो जाएगा आई होप। बाहुबली बन रहा है क्या? गाना गाओ दिल ले। अरे भारी हो रहा होगा, लाओ मेरे को दे। बहुत भारी है। ओह माय गॉड, कैसे उठा रहे है पापा? बहुत भारी है। गुड बॉय। नानी देखो कितने सारे आम गिरे नीचे वाले खेत में भी गए होंगे यार, जाओ उधर जाओ। स्लीपर पहन के जाना उधर नीचे। तो चलो थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ, यहाँ बैठती हूँ। तो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया ऐसे अकेले में बात नहीं करी। तो आप बताओ कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अपना ध्यान रख रहे हो, घर पे हो, सेफ हो, और इस कोरोना ने तो बहुत वाट लगा के रखी है, तो वो अब तीसरी वेव भी आने लगी है। तो आप लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान से रहना हर चीज़। जैसे हम एक दो साल में, दो साल ही मान लो यार, अच्छा लग रहा है ना नीचे बैठे हुए, बहुत दिन हो गए बैठे नहीं। तो अपना ध्यान रखना और घर पे रहना है ना बस, और क्या बोलूँ, कुछ नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, भूल गए। देखो बादल ही नहीं आता, अभी तक पूरे काले काले से बादल थे, और अब देखो साफ हो गया आसमान, और आवाज़ तो आ रही घम घम घम, और जंगल की तरफ काले काले थोड़े बादल नहीं है यार, उधर भी कहाँ है, जंगल में भी हो जाते तो ठीक था, बादल नहीं है, सब उल्लू बन गए हम। तो बैठी हूँ मैं आपको यहाँ बैठा देती हूँ सामने। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together. कहीं ऐसा ना हो, मैंने कहा कि ऊपर से कहीं हवा चल रही है ना तेज, तो ऐसा ना हो जो बच्चे कुछ आम मेरे सर पे गिरे। और वो कह रहे नहीं गिरेंगे आम, खत्म होंगे, दो तीन रह गए, तो वो तो गिर सकते हैं ना, नहीं तो कटहल है वहाँ पे, देखो पीछे कटहल का पेड़। कटहल गिरेगा तो क्या होगा, माय गॉड। मम्मा आपको पता है पिछले साल में यहाँ वॉकिंग कर रहा था, मेरे पैर में फट से एक आम गिरा था। और अभी तो हवा भी चल रही है और आम पके हुए हैं, क्योंकि सीजन है ना बिल्कुल, तो बारिश हो गई, गई मतलब तो अच्छे से गई, धूप लग गई बाहर, देखते देखते क्या क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो कल मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि कल मैंने वैक्सीन लगवाई थी, तो उसके बाद थोड़ा बहुत बॉडी पेन थोड़ा बहुत हो सकता है, तो मैंने जिस वजह से कंटिन्यू नहीं किया, और अब जाके मैं सोच रही थी कि वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को बताती हूँ कि कल बिल्कुल अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गई है, कल तो बादलों ने हमें उल्लू बना दिया था, बट अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम देखो कितना सही हो रहा है। मस्त मौसम हो रहा है, और इस समय ना लॉन में घूमने का मजा ही कुछ और है, तो मैं वॉक कर रही हूँ ऐसे, देखो हवा कितनी सही चल रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कल वैक्सीन लगी थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा बॉडी में पेन सा था, फीवर नहीं था मुझे, बट बॉडी पेन था, और शोल्डर में जहाँ लगा था ना वहाँ दर्द था, तो जिसकी वजह से मैं कुछ लगा है, तो जिसकी वजह से वीडियो नहीं कर पाई। और आज मैंने सोचा आज मैं शुरू करती हूँ, बताती हूँ आपको कि आज क्या क्या होने वाला है। तो आज से हमारे यहाँ काम शुरू हो रहा है खेती का, तो
धान वान लगेंगे, तो कल धान लगेंगे दूर जो है हमारा खेत वहाँ पे। और अभी मम्मी बिजवाड़ उखाड़ रही हैं। बिजवाड़ मतलब एक सामने धान को बो दिया जाता है और उसको उखाड़ते हैं सेपरेट सेपरेट करके, फिर उसको पूरे खेतों में लगाया जाता है। तो वो बिजवाड़ उखाड़ रही है और कल लगेंगे धान, यानी रुपाई होगी कल, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैं भी लगाऊँगी। तो बस यही है। और अभी देखो कितना अच्छा सा लग रहा है, बारिश होने लगी है। बारिश चाहिए भी, पता है खेती का तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से खेत में धान या फिर इस टाइप की खेती की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी ये रही, सब्जी इधर बन रही है, दाल मैंने यहाँ बना ली है और चावल मैंने कुकर में रख दिए हैं, अभी पके नहीं हैं, थोड़ा सा भीग जाए ना सॉफ्ट हो जाएगी। इस टाइप से ये रही सब्जी और ये भी रेडी है। यहाँ पे रात के लिए चने भिगो के रख दिए मैंने। चलो बाहर चलते हैं, अब देखते हैं बाहर का क्या हाल है और बाहर बारिश हुई है कि नहीं। और जो आप भीग रहे थे तो ओ माय गॉड, ये देखिए क्या तेज बारिश हो गई। मैं तो सोच रही थी उधर जाने की, कैसे जाऊंगी यार, हाँ भयंकर बारिश हो रही है उधर। जिम्मी को देखो, जिम्मी को दिखाती हूँ, जिम्मी को देखो देखो, उसके नीचे झूले के नीचे भीगे ना, उसे भीगने से इतना इरिटेशन होता है कि बस। और यहाँ ऐसा है, मुझे वहाँ जाना था खेत में मम्मी के साथ, इसीलिए तो मैंने जल्दी जल्दी काम किया, मुझे जाना था खेत में। और यहाँ इतनी भयंकर बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे, छाता लेके। मम्मी वहाँ भीगी, पता है बारिश में भीगते भीगते भी काम कर रहे होंगे, यहाँ तो यही होता है काम के टाइम पे ना, इंसान को होश ही नहीं रहता। ये देखो मैं बाहर निकल गई हूँ और मैंने ले लिया है छाता, और देखो कितना अंधेरा हो रहा है बाहर, ओह गॉड अच्छा लग रहा है। देखो मम्मी और वहाँ, ओ फंस गई आम के पेड़ पे फंस गई, छाता है ना उधर, मम्मी और वहाँ खेत में जो दिख रहा है कुछ छाता, वहाँ पे मम्मी और काम कर रहे हैं और बारिश तेज हो गई। मैं घर पे और ये देखो वो तेज हो गई, मैंने सोचा वहाँ जाती हूँ तो ये बारिश हो गई तेज, और बड़ा बारिश बहुत तेज हो गई। चलो अभी जाके फायदा नहीं है, अभी मैं जो कपड़े हैं इनको धो लेती हूँ, सुखाऊंगी कहाँ पर, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, फिर भी ड्रायर से निकाल लेती हूँ। Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time. Clear to see from up here. बरसात शुरू हो गई है और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि मन को बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। इस टाइम से खेतों का काम भी शुरू हो रहा है, तो इस टाइम से वीडियोज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही लीची का पेड़ जिससे हमने ढेर सारी लीचियाँ खाई है, तो इसमें भी छोटी छोटी पत्तियाँ आ गई हैं और कितना सुंदर सा ये लग रहा है। और कटहल एज यूजुअल है, अभी आराम उधर खेल रहे हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं, चिकने ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, फिर बच्चे नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर है बीहू, जिनको मैं रोक के रखी हूँ कि बाहर नहीं जाना है, बहुत जिद कर रहे थे, रोक के रखा हुआ है और वो अपनी गाड़ी के साथ खेल रहा है। तो मैं आ गई हूँ अंदर, अंदर के साथ मेरा सा लग रहा है ना, लाइट ऑन कर दी मैंने और अब बैठती हूँ थोड़ी देर, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो यहाँ इतना सही मौसम हो रहा है, मतलब गर्मी को पता नहीं चल रहा है और खेती का काम भी शुरू हो गया है, तो अभी बिजवाड़ उखाड़ी जा रही है, फिर रुपाई होगी, तो बहुत सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या चाहिए आपको, नमक चाहिए? ओह माय गॉड, मैं तो कटोरी लेके आया है। ओके मम्मी, गिव मी बूट पैन, गिव मी नमक। ओके गिव मी नमक, नमक मतलब नमकीन।
एक बार फिर से बोल दो फ्रेंड्स को। ओके अच्छा ये तो बताओ आई लाइक नमकीन बोलो। आई लाइक नमक। ओके आई लाइक चॉकलेट। आई लाइक चॉकलेट। ओके और आई लाइक चॉकलेट। ओके और आई लाइक चॉकलेट। ओके आई लव यू तो बोल दो। आई लव यू। अरे 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 फिर से आई लव यू। यहाँ पे देखिए बोलो। आई लव यू। बताए और मुझे जानबूझ के बोल रहा है आई लव यू गंदा मुझे सुना रहा है। फिर से बोल दो मम्मी। अच्छा अच्छा एक बार फिर से बोलो आई लव यू बोलो। आ जाओ आप नहा लो चलो नहा लो चेंज कर लो आप क्यों भीग रहे हो गया आप देखो ना आ जाओ ज्यादा देर पानी में नहीं रहते बाबू ठंडा लग जाएगा। ओके मैं टॉवल देती हूँ जाओ अच्छे से नहाना। तो आरू आ गया है नहा कर मतलब बारिश में भीग कर अब नहाने गया है मैं उसे टॉवल देती हूँ दिखाओ। यम्मी यम 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 यम्मी I like it. I like namkeen. बोलो। I like it. Namik. Namik बोलता है namkeen. Namik. I like it. I like it. Yum 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 yum. Yum. I like it. यो इसको namkeen पता नहीं क्या पसंद आती है ज़्यादा अच्छी लगती है आपको namkeen? और namkeen के साथ ना सर क्या पसंद है? पापड़ पसंद है। पापड़ आते हैं ना जो हम लोग खाते खाने के साथ वो इसको बहुत पसंद है। गिराना नहीं गंदी बात। नो गंदी बात बच्चों ऐसा है। तो बस छोटा छोटा सा व्लॉग बनाया मैंने छोटा सा अपडेट दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलते हैं और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय। अच्छा क्यों बाय करो अच्छा दोबारे से बोलो बाय। लव यू यू बाय सी। ओके सी यू।